हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, करवा चौथ बहुत ही नज़दीक है और मैं इस दिन के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। तो मैं इस करवा चौथ को थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन तो हर लड़की एक ब्राइडल की तरह सजती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्राइडल की तरह सजे जाए, तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह भी कर लिया जाए घर पर ही। तो मैंने घर पर ही फ़ोटोशूट करने के लिए तैयारी की कुछ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कुछ मंगवाया है उसके लिए। तो फोटोशूट के लिए मैंने मंगवाया है रिंग लाइट। यस, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था और ये मुझे पड़ा था 676 रुपीज़ में, और इसके साथ मुझे स्टैंड और रिंग लाइट दोनों मिली है। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं साथ में। रात के टाइम में फ़ोटो शूट करवाने के लिए रिंग लाइट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, इसीलिए मैंने इसको मंगवाया है। थोड़ा सा मैंने आइडियाज़ लिया है इंस्टाग्राम वगैरह से, मैंने 2-3 फ़ोटोज़ वगैरह देखी है, ताकि वहाँ से मुझे आइडिया लग सके किस तरीके से प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करने का मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा कन्विंस कर लिया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को फ़ोटोज़ खिंचाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कन्विंस कर लिया उन्हें, और मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि प्रोफेशनल टाइप की फ़ोटो घर पे ही मैं क्लिक करूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। वो जो स्टैंड है, इसका जो साइज़ है वो 7 फीट का है, बहुत ही अच्छा खासा लंबा है। इससे आप खड़े होकर भी फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं। इसे आप छोटा बड़ा अपने हाइट के अनुसार, जो भी आप लोगों को साइज़ आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, जो यहाँ पे जो पेच है ना, इसको हमको थोड़ा सा पहले ऊपर निकालना होगा। आप इसको घुमा के ऊपर निकाल लें पहले, फिर उसके बाद से इसको आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। इसको गोल घुमा के आप इसको फिक्स कर लें अच्छे से टाइटली। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है। आपकी जो रिंग लाइट है वो यहीं पे फिक्स होगी। आप इसको गोल गोल घुमा के यहाँ पे फिक्स कर ले। आप देखिए मैंने फ़िक्स कर लिया है। आपको यहाँ पे फिक्स करके इसको गोल से घुमाना होगा, ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। और तार को थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उलझ जाएगा। तो मैंने इसको बांध लिया है, देन उसके बाद मैंने इसको घुमा के फ़िक्स कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइटली फ़िक्स हो चुका है, और यहाँ पर ये मूवेबल है। आपको जिस भी एंगल में आपको रिंग लाइट का फोकस चाहिए, आप यहाँ से इजीली इसको घुमा सकते हैं। रिंग लाइट भी मैंने स्टैंड में सेट कर लिया है, और ये बहुत ही इजी है। आप मैंने इसको अभी छोटा ही रखा है हाइट इसका। आप इसको जितने भी अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें करना है मोबाइल होल्डर सेट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गोल वाला एरिया बना है, इसको गोल गोल घुमा के आपको इसको ढीला करना है। इसको इसके साइज़ के अकॉर्डिंग करना है, तो इसको घुमा के आप इसको इसके अंदर फिक्स करना है। तो अभी ये तो साइज़ का नहीं हुआ है, इसको दोबारा से करते हैं। इसे पुश करना है आपको, और पुश करने के बाद इसको इसके अंदर सेट करके आपको टाइटली इसको सेट करना है। इस सेट हो गया ये, इसको आपको फिर से फिक्स कर देना है। देन उसके बाद ये भी मूवेबल है, आप मोबाइल का जहाँ भी एंगल चेंज करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत इजीली मूव हो जाता है। अब ये वाला जो एरिया है, आप रिंग लाइट के पीछे से आप इसको सेट करोगे। अब देख सकते हैं यहाँ से इसको फिक्स करना है, रिंग लाइट के पीछे से आपको सेट करना है। ये फिक्स हो गया बहुत ईजीली। अब आपको इसके अंदर मोबाइल बीच में लगाना होगा, इसका आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत इजीली यहाँ पे सेट हो जाएगा आपका मोबाइल। अब ये मोबाइल होल्डर भी सेट हो चुका है। अब हम इसके तार को ओपन करेंगे और रिंग लाइट को जलाएंगे। इसको चेक करेंगे कि ये सही परफेक्टली सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि आपका जो भी पुराना मोबाइल का जो चार्जर होता है, उसका जो अडेप्टर होता है, आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इस अडेप्टर को, ये मेरे पास पुराना अडेप्टर पड़ा था, तो ये मैंने इसमें फ़िक्स कर दिया। अब इसको यहाँ पे लगा के आपको बोर्ड में सेट करना होगा इसको। तो मैं सेट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लाइट जल गई है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। ये जो माइनस का है, उसमें आपको रिंग लाइट की जितनी भी लाइटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्लस माइनस से। और जो ये थर्ड वन है, उससे आप रिंग लाइट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले रिंग लाइट का जो लाइट इफेक्ट है उसे कम करके और ज़्यादा करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने लाइटिंग कम करी है और अब ज़्यादा करी है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने येल्लो किया है अभी, आप देख सकते हैं येल्लो, ब्लू एंड लाइट ब्लू,
तीन कलर आपको अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे। इस तरीके से मैंने रिंग लाइट को सेट कर लिया है और अपने करवा चौथ को स्पेशल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की अपने करवा चौथ को स्पेशल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।